आप हैं, ये वर्दी जो आपको मिली है वो क्या पावर एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ, कि देखभाल करके पावर एक्सरसाइज करने के लिए मिली? आपने इसका तो इज्जत खराब कर दिया, इसकी क्लिनिक बंद हो गई, अब बोलिए आपके साथ कैसे डील करें? अगर यही काम आपके साथ किया जाए, कोई गलती हो जाए छोटी सी आपसे, या गलती न भी हो, कोई आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा दे और आपको इसी तरह घर से खींच करके उठा करके एक गाड़ी में ढकेल करके और बिठा दिया जाए जिसमें आपके ही जैसे वर्दी वाले लोग आपको घेरे रहे हैं, कैसा लगेगा? सर, मेरा कोई जिसके पास जितना अधिक पावर होता है ना, उसको उतना ही स्थिर होने की जरूरत है। बहुत जल्दीबाजी में पावर का इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। कोई अलग से वकील रखना हो बहस करने के लिए तो रख लीजिए, बाद में आप अफसोस न कीजिएगा कि हाँ सुने नहीं हम। यस, नाउ इन दिस केस वी हैव हर्ड टुडे DYSP इज प्रेजेंट, आप हैं, क्या जल्दीबाजी हो गई थी इनको अरेस्ट करने की, आपको नोट लिखने की, आपको क्या जल्दीबाजी हो गई थी इनको अरेस्ट करने के लिए? डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं था इनके ऊपर, इनको क्या जरूरत थी आपको हथकड़ी लगाने की और गाड़ी में बिठाने की? आप भले आदमी है ना, अगर यही काम आपके साथ किया जाए, कोई गलती हो जाए छोटी सी आपसे, या गलती न भी हो, कोई आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा दे और आपको इसी तरह घर से खींच करके उठा करके एक गाड़ी में ढकेल करके और बिठा दिया जाए जिसमें आपके ही जैसे वर्दी वाले लोग आपको घेरे रहे हैं, कैसा लगेगा? बताइए बताइए। सर, अरेस्टिंग प्रक्रिया में हम नहीं थे। आप नहीं थे? क्यों, आपके तो ऑफिसर्स ने कहा कि साहब आपने नोट दिया था DYSP ने, आपके अभी हैं SP सामने हैं, इन्होंने तो बताया था कि आपने जो है नोट दिया था और उसको इन्होंने ओके किया था। वर्जन फर्स्ट इन्हीं का दिया हुआ है। लीजिए, आपके वकील साहब भी बता रहे हैं कि आप ही का दिया हुआ है। वर्जन फर्स्ट इन्हीं का है। ये क्या आपने देखा है कहीं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वगैरह पढ़ा है? फिजिकल नहीं देखा। ये पावर सिर्फ आप जानते हैं ना, कानून नहीं जानते। ये वर्दी जो आपको मिली है वो क्या पावर एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ, कि देखभाल करके पावर एक्सरसाइज करने के लिए मिली? किसी भी सिटीजन्स के साथ, आप भी एक सिटीजन हैं इस कंट्री के, ठीक है? ये बात हम बराबर कहते हैं आप लोगों को, ये भूलिए नहीं कि 60 साल के बाद जब ये वर्दी उतर जाएगी और आपके साथ आप ही के वर्दी जैसे वाले लोग जो हैं इस तरह का गुनाह करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या दिया सिस्टम को। आपने इसका तो इज्जत खराब कर दिया, इसकी क्लिनिक बंद हो गई, अब बोलिए आपके साथ कैसे डील करें, कैसे डील करें, बताइए। आप ही ने नोट दिया था ना कि अरेस्ट करना चाहिए, आप ही के नोट को उन्होंने ओके कर दिया, उन्होंने भी जल्दीबाजी दिखाया और आपने तो शुरू ही कर दिया था जो नहीं होना चाहिए था। बोलिए, इसीलिए आपको कॉल किया है कि वाई क्रिमिनल कंटेम्प्ट बी नॉट इनिशिएटेड अगेंस्ट यू फॉर वायलेटिंग द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन DK बासु। देर इज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट, यू आर इन द सूप ऑफ कंटेम्प्ट। कोई अलग से वकील रखना हो बहस करने के लिए तो रख लीजिए, बाद में आप अफसोस न कीजिएगा कि हाँ सुने नहीं हम, पूरा बहस नहीं कर पाए, ये मैंने आपको बता दिया। कानून यही है, आप कहाँ परेशानी में है वो समझ लीजिए, बहस करना हो कर लीजिए, बोलिए, जब कहिए इसको रख देते हैं, कुछ जल्दीबाजी नहीं है मुझे। Or see, I submit something else.
And as per Lord Sri, the new amendment in the IPC, I will take Lord Sri hypothetical situation. Then if a conspiracy has been Lord Sri the entry into, then obviously there should be some offence, Lord Sri, a factual offence. Lord Sri, I will take a second Lord Sri, I will Lord Sri the draw attention to the Lord Sri, section 166 capital A of the IPC, Lord Sri. That has come into Lord Sri by amendment in 2013. Yes. Please read that. Public servant disobeying direction under the law. Yes. Clause B, Lord Sir, whoever being a public servant knowingly disobeyed to the prejudice of any person, any other direction of law relating to the manner in which he conduct such investigation. Mr. Parasar, please try to understand. What is the need of looking into these provisions? When the Supreme Court judgment says in D.K. Basu and our law, are the guidelines. Supreme Court judgment is very categorical that these are the guidelines in the matter of arrest. Violation of it would be taken as a contempt and the High Court can initiate a contempt proceeding. उसके बाद और कुछ देखने की जरूरत है। Lita Kumari also given under safeguard. I have given you benefit of that judgment. And Lordship, right from Lordship, the institution of the FIR, that Lordship, the, when any report comes to the SHO, Lordship, about the death of any human being, then question would be, Lordship, whether death is culpable, homicidal, or dolly death, Lordship. But in this case, Lordship, the opinion of the हमारे माइंड में क्या चल रहा है आपको मैं बता रहा हूँ, पहले भी बताया हूँ कि ऑन द लास्ट डेट द एसपी हैज व्हाइल मेकिंग सबमिशंस स्टेटेड दैट ही रिपेंट व्हाट हैज हैपेंड. नाउ whether this court should accept that as bona fide or not. Then Lordship, the priority. That is the thing which is going on in my mind. I will take into the Lordship to the judgment of Supreme Court on the Lordship Rupal Dev Bajaj, the MS Gill Lordship. Yes. That MS Gill was Lordship under the sobriquet of the Super Cop and King of Punjab. That was a different fact situation. Okay, a slight change in that case, you know what was the allegation against Mr. Gill? And FIR, you know what was the allegation against FIR was by the, that is not the allegation. FIR is requested by the Honorable Punjab and Haryana High Court on the trivialty of the case. Mr. Parasar, कोई भी judgment जब cite कीजिए ना, तो उसके पहले एक judgment जो मुझे याद रहता है बराबर, उसको पढ़ा कीजिए, उसको